दोस्तों एक बार की बात है, एक व्यक्ति हिमालय की पहाड़ी ऊपर घूमने गया। खूबसूरत पहाड़ों के आनंद ले रहा था। तभी उससे किसी का द्वारा बुलाए जाने का आवाज सुनाई दी। वो वही सुनकर आगे बढ़ गया कि यहाँ पर पहाड़ियों के बीच कोई रुकता नहीं। आवाज आना वहम ही है, पर कुछ दूर जाने के बाद वही आवाज फिर सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो चौंक जाता है। तो उस आदमी के मन में आया कि शायद किसी को मेरी आवश्यकता की जरूरत है, और यहाँ उसका नाम कौन जानता है। ये सोचते हुए वो पहाड़ियों से होते हुए आवाज की तरफ बढ़ते लगा। आगे जाकर एक गुफाएं दिखाई दी, जिसे बरसों से तपस्या कर रहे एक रहस्यमय साधु को दर्शन हुए। उनकी उम्र लगभग 2500 वर्ष रही होगी। उस व्यक्ति को वहां पर एक भव्य महल दिखाई दिया। जब तक वो कुछ समझ पाया, वो साधु ने उससे पास में लगी आसन पर बैठने को कहा और बताने लगा कि उसी ने कहने पर उसी का ट्रांसफर रानीखेत में हुआ है। यह सब सुनकर उसी का होश उड़ गए। आपको बता दूं कि यह घटना सच और हैरान कर देने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा वो साधु कौन है, उससे वहाँ क्यों बुलाया गया, साधु से उसका क्या संबंध है। आप तो जानते हैं कि भारत भूमि अनेकों तपस्वी और चमत्कार संतों की भूमि है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल में लुप्त हो चुकी योग शास्त्रों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा क्रिया योग को पुनर्जीवित करने वाले संत श्यामाचरण लाहिड़ी जी के बारे में। लाहिड़ी जी कहते थे, केवल वही बुद्धिमान है, वही प्राचीन तत्संग पठन पाठन करने के बजाय उसकी अनुभूत करने का प्रयास करता है, क्योंकि उनका स्वयं का जीवन ही उन लोगों के लिए शिक्षाव्रत था। पूजा कहते हैं कि नौकरी व्यवसाय पारिवारिक जिम्मेदारी के बाद आध्यात्मिक साधन जिम्मेदारियों के बाद आध्यात्मिक के लिए समय कहाँ बचता है। उन्होंने ऐसे लोगों के साथ सामने अपने स्वयं के जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया, क्योंकि उन्होंने नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के निभाते हुए साधना के चेतन शिखर को स्पर्श। और आपको बता दूं कि बुद्धि पर साधु की और नहीं उनके गुरु महान अवतार बाबा थे। उन्होंने कहा, लाइडी तुम्हारे पिछले जन्म की साधना शेष रह गई थी, इसे आपको पूर्ण करने का समय आ गया है। उनके गुरु महा अवतार बाबा 35 साल के तेजस्वी युवक की तरह देखते हैं। कई बड़े साधुओं के द्वारा उनके बारे में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि महाअवतार बाबा ने आदि शंकराचार्य क्रिया योग की शिक्षा देती थी। उन्होंने संत को भी दीक्षा दी, के बाद प्रसिद्ध अंतर लाहिड़ी उनका शिष्य माना जाता है। श्यामाचरण लाहिड़ी का जन्म 30 सितंबर 1828 को हुई थी। पश्चिम बंगाल के नगर के गोरोडी ग्राम से हुआ था, जिनके पिता गौर मोहन लाहिड़ी जमींदार थे, माँ मुक्तेश्वरी शिव भक्त थे। लाहिड़ी महाशय ने अधिकतर जीवन बनारस में बिताया। 1895 में उन्होंने महासमाधि ले गई। उनकी ये गाथा आध्यात्मिक जगत का मार्गदर्शन करती रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।